सुप्रभात क्लास टू। क्लास टू, आज के आपके हिंदी का विषय है नन्हा बीज। नन्हा बीज मतलब जिससे पेड़ पौधे उगते हैं तो उसी को बीज बोलते हैं। तो वो जब छोटा सा होता है तो उसे नन्हा बोलते हैं। तो नन्हा बीज की कहानी है ये, कि कैसे वो क्या करता है, इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। एक था नन्हा सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। तो किस चीज़ का बीज था? वो गुलाब का बीज था, रोज़ का बीज था। उसका घर ज़मीन के नीचे था। उसका घर कहाँ था? ऑब्वियसली ज़मीन के नीचे होगा, तभी तो गुलाब उगेगा एक सुंदर सा। तो नन्हे बीज का घर था ज़मीन के नीचे। वहाँ बहुत अंधेरा था, तो ज़मीन के नीचे का हिस्सा है तो अंधेरा तो होना ही है। एक दिन बीज घर में अकेला था। तो एक दिन बीज जो अपने घर में अकेला था, अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई। अब उसके घर पे दरवाजे पर उसे एक किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। खट खट खट। बीज ने पूछा कौन है बाहर। बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई। मैं बारिश की एक बूंद हूँ। बाहर से एक प्यारी सी, एक सुरीली सी आवाज़ आई कि मैं एक बारिश की बूंद हूँ। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक बूंद खड़ा है दरवाजे पे और वो नन्हे बीज से बोल रहा है कि मैं बारिश की बूंद। दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। वो बोल रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। बूंद की आवाज़ सुनकर नन्हा बीज डर गए। वो तो एक छोटा सा प्यारा सा बीज है। कोई भी, अब आप लोग छोटे बच्चे हो, आपके घर पे कोई आएगा, अगर आप अकेले हो तो आप डर ही जाओगे ना। तो वो भी घर पे अकेला है और उसके घर पे कोई आया है जिसको वो जानता नहीं है, तो वो उसे देखकर डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती। तो वो डरते डरते क्या बोला कि तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। लेकिन बारिश की जो बूंद है वो मानी ही नहीं। उसने फिर खिड़की से झाँक कर बोला, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। उसने फिर खिड़की से झाँक कर बोला कि दरवाज़ा खोलो तो सही, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो नन्हा बीज, जो एक छोटा सा बीज है, गुलाब का बीज है, वो अपने घर में उस समय अकेले था। तो उस समय उसके घर में एक मेहमान आया, प्यारा सा, एक बारिश की बूंद आई। उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो बारिश की बूंद उसे अंदर आने के लिए बोल रही है। तो वो डर गए। वो डरने के बाद उसने मना कर दिया। तो बारिश की बूंद को अंदर आना ही था। तो उसने खिड़की से झाँक कर नन्हे बीज को बोला कि एक बार दरवाज़ा खोलो तो सही, हम सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आगे देखते क्या हुआ। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं मुझे डर लगता है। बीज ने फिर क्या किया? फिर उसने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। उसे इतना डर लग रहा था कि उसने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। बारिश की बूंद ने सोचा अब ये तो मानेगा नहीं, तो वो चुप हो गई। अब चारों ओर चुप्पी थी। अब कोई नहीं था दरवाजे पे, ना बीज कुछ बोल रहा था, तो चारों ओर शांति थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी। फिर रात बीत गई, सुबह हो गई। फिर एक बहुत ही प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अब कौन था गेट पे? अब देखते हैं कौन था। खट खट खट, दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ। तो अब कौन था? बारिश की बूंद हो गई, अब आया सूरज की किरण, सन की रेज आई। मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहता हूँ। तो सूरज हम सबको प्रकाश देता है, रोशनी देता है, तो वो उसे भी प्रकाश देना चाहता था। लेकिन नन्हा बीज फिर डर गया और डर के उसने क्या बोला, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती। तो नन्हा बीज क्या हुआ, फिर डर गया और उसने डर के बोला कि तुम अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अगले क्लास में हम देखेंगे कि नन्हे बीज के संग क्या हुआ और क्या उसने सूरज की किरण को अंदर आने दिया या नहीं, या फिर उसे भी कुछ बोलकर भगा दिया। ठीक है, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। धन्यवाद।